हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की। हम बात करेंगे या मॉडर्न थियरी की बात करेंगे। मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ओके, या इसको हम लोग नेचुरलिस्टिक थियरी भी इसको हम नाम देते हैं और केमिकल थियरी भी इसको हम नाम दे सकते हैं। केमिकल और ए आई ओटेरियन थियरी। अब देखिए, ये मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन आर नेचुरलिस्टिक आर केमिकल थियरी आर ए आई ओटेरियन थियरी, इतने नामों से जाना जाता है। तो इसमें हम मॉडर्न थियरी की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक अगर हम थियरी की बात करें, इस समय मॉडर्न थियरी की बात कर रहे हैं, इसमें जो जीवों के आदि पृथ्वी के ऊपर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वह जो है निर्जीव से नहीं हुई, यानी नॉन लिविंग से जो है नहीं हुई है। नॉन लिविंग से जो है लिविंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसके पहले हमने एक्सपेरिमेंट भी आपको बताए थे। यहां पर जो वातावरणीय कंडीशन, जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो है जो चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस के थ्रू जो है उनमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पहले बने हैं और देन ऑर्गेनिक सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। और यह जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस बने हैं, इसमें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आई है और कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू जो है ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। इसमें जब हम आते हैं सबसे पहले, तो जो साइंटिस्ट हैं ए आई ओपेरियन का नाम सबसे पहले आता है। और ए आई ओपेरियन ने 1924 में ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक को इन्होंने जो है पब्लिश किया था। और उस बुक के अंदर इन्होंने 1936 में जो है इन्होंने उस बुक के अंदर जो वर्क किया था, उसमें इन्होंने लिखा था कि एक स्टेप पे इन्होंने डिवीजन किया है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है और उसमें जीवों का जो निर्माण हुआ है, आदि पृथ्वी के ऊपर जो जीव बने हुए हैं उसको एक स्टेप में उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये 1936, जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थवाद या भौतिकवाद जो है थ्योरी, हम लोग नाम देखेंगे, तो उसको इन्होंने यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश किया था एट स्टेप में। तो जो फर्स्ट स्टेप है हम लोगों का, स्टेप फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें सबसे पहला जो फेज आता है एटॉमिक फेज आता है। कौन सा फेज आता है? परमाणु अवस्था, यानी एटॉमिक फेज। एटॉमिक फेज के अंदर ये देखा गया फर्स्ट फेज के अंदर कि सबसे पहले यहाँ पर जो अंतरिक्षीय पिंड है, अंतरिक्षीय पिंड वह जो है एक ज्वलंत जो है गैस के रूप में, गोला के रूप में जो है वह जल रही थी। और उसमें जो है क्या हुआ कि धीरे धीरे जब टेम्परेचर 5000 से 6000 सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हुआ, तो धीरे धीरे जो है उनकी गैसों के अंदर जो है क्या हुआ, कुछ फ्री जो है यहाँ पर फ्री जो है आप देखेंगे फ्री यहाँ पर एलिमेंट्स को देखा गया। एलिमेंट्स का मतलब तत्वों की बात कर रहे हैं कि फ्री एलिमेंट्स जो मिले, उसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन की ठीक संख्या कम थी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस जो इंडिपेंडेंट जो है एलिमेंट्स थे, वह सब यहाँ पर क्या हो गए, वहां पर 5000 to 6000 सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हुआ, तो उस टेम्परेचर में जो है इसको देखा गया कि इनमें जो है इनके गैसेस में क्या है, कुछ फ्री एलिमेंट्स जो है वातावरण के अंदर जो है उस उन गैसों में पाए जा रहे हैं। वह धीरे धीरे क्या किए, आपस में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है आपस में क्रिया करके यहाँ पर जो है एक मेंटल कवरिंग का 3 लेयर का इन्होंने पार्टीशन कर दिया और 3 लेयर जो यहाँ पर बनाए उन्होंने। तो यहाँ पर जो है अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पर कोर का निर्माण किया इन्होंने, मेंटल लेयर का निर्माण किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे कि प्रिमिटिव जो लेयर था बाहर की तरफ, आप देखें यहाँ पर
कि प्रिमिटिव लेयर का यहाँ पर निर्माण दिखाया गया बाहर के तरफ। तो ये तीन लेयर में यहाँ पर इनका डिवीजन हो गया। एटॉमिक फेज के अंदर जब फ्री एलिमेंट्स मिले तो फ्री एलिमेंट्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या रोटेशन के कारण आप कहिए, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कहिए, या जो है यह तीन लेयर में यहाँ पर इनका डिवीजन हो गया और तीन लेयर में आकर यहाँ पर यह स्टोरेज होता है, जिसको प्रिमिटिव लेयर हम लोग आउटर लेयर में बोलते हैं, सेकेंड जो है मेंटल लेयर है, और थर्ड जो है कोर लेयर इसको बोलते हैं। तीन लेयर में इसका डिवीजन हो गया। अब देख इसके बाद क्या हुआ, अब सेकेंड जो स्टेप है उसमें जब हम आते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जब आएंगे स्टेप सेकेंड के अंदर, तो इसमें देखते हैं इन ऑर्गेनिक की हम बात करेंगे, इन ऑर्गेनिक एंड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स का मतलब अणुओं की बात होगी। यहाँ पर देखा गया कि जब करोड़ों वर्षों धीरे धीरे जब परिवर्तन होने लगा, तो करोड़ों वर्षों के बाद जो है उनमें अब जो फ्री स्टेट में जो पाए जा रहे थे जो एलिमेंट्स थे, वह इनऑर्गेनिक के रूप में धीरे धीरे उसमें जैसे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, या यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें, या है हाइड्रोजन तो है ही है यहाँ पर, तो इनकी अगर हम बात करें या कार्बन की बात करें, यह आपस में जो है क्या करने लगे, आपस में धीरे धीरे जो है जब टेम्परेचर इसका कूल डाउन होने लगा, तो ये आपस में क्या करने लगे, रिएक्शन करने लगे, यानी एक दूसरे से जल वाष्प के साथ ये मिलने लगे। और जैसे मान लीजिए H2O की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में मिलने लगे, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल, मिलकर जो है H2O का निर्माण करने लगे। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2 बनाने लगा, इसी तरह से जो है NH3 का निर्माण होने लगा, या HCN की अगर बात करें, हाइड्रोजन साइनाइड का, उसका निर्माण होने लगा। तो यहाँ पर यौगिकों का एक तरह का जो निर्माण है, कंपाउंड जिसको बोल रहे हैं, इन ऑर्गेनिक का जो है यहाँ पर फॉर्मेशन धीरे धीरे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, या सेकेंड स्टेप के अंदर, स्टेप सेकेंड के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग बोलेंगे, वह जो है यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो है इसका बनना जो है प्रारंभ हो गया। इसके अलावा जब थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या था, एटॉमिक फेज था, सेकेंड स्टेप में कहिए सही, यहाँ पर सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल फेज था, यानी इनऑर्गेनिक की बात की। थर्ड फेज में जब आते हैं स्टेप थर्ड के अंदर, तो अब यहाँ पर ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब हम आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी जो पेड़ थे, धीरे धीरे जो है क्या हुआ, इनका टेम्परेचर जो है करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे जो है क्या हुआ, कम होने लगा, और 100 सेंटीग्रेड से नीचे जब टेम्परेचर इनका होने लगा, तो उसमें क्या हो गया, 100 सेंटीग्रेड से नीचे जब टेम्परेचर आने लगा, तो जो कार्बन था, कार्बन और नाइट्रोजन थे, इनकी कार्बाइड और नाइट्राइड जो है वो आपस में क्रिया करके यहाँ पर क्या करने लगे, धीरे धीरे यौगिकों का निर्माण करने लगे। और यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक यौगिक थे वह तो बने ही बने, उसके साथ साथ जो है सिंपल इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड था उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर कार्बाइड की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखें आप यहाँ पर, तो नाइट्राइड NO3 की अगर बात करें, कार्बाइड की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर कुछ कार्बनिक पदार्थ बन गए, C2H2 का निर्माण हो गया, या CH4 का यहाँ पर निर्माण हो गया, NH3 का निर्माण हो गया। तो यह सब आप देखेंगे इन ऑर्गेनिक के साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यहाँ पर डेवलप हो गए थर्ड स्टेट में, यानी CH4 का यहाँ पर बनना, इसके अलावा जो है एलानिन का बनना, जो प्रोटीन है उसका बनना, क्योंकि सिंपल इनऑर्गेनिक और सिंपल इनऑर्गेनिक कहिए या हाँ सिंपल इनऑर्गेनिक कहिए और साथ में ऑर्गेनिक कहिए, ये दोनों मिलकर क्या करने लगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने लगे। जैसे एलानिन का हमने बात किया,
एलानिन है क्या, तो यह एलानिन जो है एमिनो एसिड कहलाता है। एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो जो प्रोटीन है, इस तरह के कंपाउंड्स का डेवलपमेंट जो है इस थर्ड स्टेट के अंदर होने लगा, आपस में क्रिया करने लगी, और इस तरह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बाइड, नाइट्राइड, ये सब मिलकर इनके यौगिक जो है यहाँ पर मिलकर जो है यहाँ पर CH4 का निर्माण, C2H2 का निर्माण, एलानिन का निर्माण, कम्प्लेक्स जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एमिनो एसिड उसका निर्माण, एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण, यह सब जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, इसका निर्माण यहाँ पर होने लगा। यानी इसी में आप देखें कि इसको प्रूव करने के, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पर निर्जीव पदार्थों से नहीं, हम लोग जो आधुनिक मत है यह नहीं मानते कि निर्जीव जीवों से ही जीव की उत्पत्ति से जीवों का जो है निर्माण हुआ है आज पृथ्वी के ऊपर। उन्होंने कहा कि वातावरणीय दशाओं के बदलने के कारण जो है, और इनमें क्या हुआ कि इन ऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ से जो है क्या हुआ, कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हुआ, और वह कार्बनिक पदार्थ से क्या हुआ, वह जीव के संगठन के सबसे नजदीक माने जाते थे इस तरह के कंपाउंड्स जो प्रोटोप्लाज्म या जीव की उत्पत्ति के लिए रिस्पांसिबल थे, उसमें ऑटोमेशन हुआ, एंजाइम्स डेवलप हुए, और धीरे धीरे वह एक जीव के रूप में जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो यह निर्जीवों से सजीव का निर्माण नहीं हुआ, और कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ में उसका कन्वर्जन हुआ। यह स्टेप नंबर थर्ड के अंदर अगर आप देखें तो इसी में हमने स्टेनले मिलर का एक एक्सपेरिमेंट हमने बताया था कि स्टेनले मिलर ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ किए थे, आपको हमने बताया भी था, वीडियो में इसका अपलोड है, स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट कि सिंपल इनऑर्गेनिक सिंपल जो है आप देखेंगे सिंपल ऑर्गेनिक यानी CH4 और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक अमोनिया उससे मिलकर, हाइड्रोजन अमोनिया और CH4 से मिलकर जो है एक कम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण हो रहा था स्टेनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम लोग एलानिन नाम देते हैं। एलानिन है क्या, तो यह एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन की भूमिका एक सजीव के अंदर इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपने अंदर, क्योंकि वह स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन बहुत सारे फॉर्म में बॉडी के अंदर, यानी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप पहले इसको पढ़ चुके हैं स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हमने थोड़ा सा एक बता देते हैं, आप देखिए थोड़ा सा कि दो तरह का उन्होंने फ्लास्क लिया था, एक छोटा फ्लास्क था, एक बड़ा फ्लास्क था, इसको जो है कांच की नली से इन्होंने ऐड कर दिया था। छोटे फ्लास्क में इन्होंने वाटर को बॉयल किया, बड़े फ्लास्क के अंदर इन्होंने जो है अमोनिया को, हाइड्रोजन को, और यहाँ पर जो है CH4 का एक विलयन बनाकर यहाँ पर इसके अंदर रखा हुआ था। इधर से कांच को दोनों को कनेक्ट कर दिया था, इधर से बॉयलिंग की गैस आती थी, दो इलेक्ट्रोड लगाया था, उस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट किया, फिर इसमें स्पार्किंग होता था, और उसमें रेड कलर के डर्टी मटेरियल उसमें प्राप्त हुए बड़े फ्लास्क के अंदर, और उसको इन्होंने नीचे से उसको ट्यूब के माध्यम से इसको बाहर निकाला, फिर उसका स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ये पता चला कि उसमें एलानिन जो है प्राप्त हुआ है, और उस एलानिन को देखा गया, जब स्टडी किया गया, एलानिन एक तरह के एमिनो एसिड्स हैं जो कम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण में कम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी एमिनो एसिड यानी प्रोटीन बनाते हैं। तो यह प्रूफ हो गया कि जो इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक से क्या बनता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। यह किसने सिद्ध किया, स्टेनले मिलर ने अपने गुरु यूवे हेराल्ड के साथ मिलकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके जो है यह प्रूव किया। इसके बाद जो फोर्थ आता है, फोर्थ स्टेप की बात आती है, फोर्थ स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है फोर्थ स्टेप में यहाँ पर ऑटोमेशन की क्रिया होती है, क्वेसर वेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेसर वेट्स नाम हम वो देते हैं कि जल के अंदर कुछ इस तरह के पदार्थ बने जो है,
अब हम माइक्रोस्फीयर पहले बात करेंगे, सिडनियम फॉक्स ने जो है माइक्रोस्फीयर का नाम लिया, देन उसके बाद क्वेसर वेट्स बना। तो जो इस तरह के जो क्वेसर वेट्स बने वह जो है फोर्थ पीरियड है, फोर्थ स्टेप के अंदर उसको हम लोग पहला जीव मानते हैं, प्री बायोटिक जो है ऑर्गेनिज्म, इसको नाम दिया गया प्री बायोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जल के अंदर यानी जल स्तर के अंदर जो है फोर्थ स्टेप में प्री बायोटिक ऑर्गेनिज्म यानी क्वेसर वेट्स का फॉर्मेशन हो गया। क्वेसर वेट्स हम लोग बोलते हैं, क्वेसर वेट्स का मतलब होता है कि इस तरह के छोटे छोटे जो है वाटर के बड़े बड़े जो है छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वह जो है आपस में फ्यूज करके बड़े ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। या इसके पहले जो बना जो क्वेसर वेट्स के पहले जो बनता है उसको माइक्रोस्फीयर नाम देते हैं, और यह माइक्रोस्फीयर जो है कोलाइड स्टेज में पाया जाता है, कोलाइड के रूप में पाया जाता है। और इस कोलाइड जो है यह किसमें कन्वर्ट हुआ, जब लार्जर साइज का बन गया तो क्वेसर वेट्स में कन्वर्ट हो गया, और इसमें जो है जिलेटिन जैसी पदार्थ इसके अंदर मिलने लगी, बाहर की तरफ वाटर जो है इससे क्या होने लगा, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब अधिशोषण, अधिशोषण इससे होने लगा और इसके जो है छोटे छोटे दानों के रूप में यह जो है यह बन गया। और यह माना गया कि जो क्वेसर वेट्स हैं यानी माइक्रोस्पोर से क्वेसर वेट्स का डेवलपमेंट हो, माइक्रोस्फीयर उसको बोलेंगे, सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर इसको नाम दिया था। और माइक्रोस्पोर किससे बना, कोलाइड से बना। और कोलाइड आप लोग जानते हैं कोलाइड है क्या, केमिस्ट्री में सब लोग जानते हैं, यानी न इस तरह के छोटे कण होते हैं ना बड़े कण होते हैं, दोनों के बीच का एक कंडीशन होता है जिसको कोलाइड हम लोग नाम देंगे। तो कोलाइड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर माइक्रोस्फीयर जो बना, माइक्रोस्फीयर जो बना उससे क्वेसर वेट्स का फॉर्मेशन हुआ। और क्वेसर वेट्स के अंदर क्या हुआ, एंजाइम्स वगैरह क्रिया करने लगी, इनिशियल पार्टोमेशन की क्रिया होने लगी, और यह एक प्रीबायोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में यहाँ पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ओके okay?